स्कूल बस हादसे में मृतकों की संख्या पहुंची 7। मासूम सगे भाई बहन ने तोड़ा दम। सिरमौर के रेणुका जी में खड़कोली के पास डीएवी स्कूल की बस शनिवार को खाई में गिर गई। मौत का आंकड़ा पहुंचा 7, जिसमें 6 बच्चे और बस ड्राइवर की मौत हो गई। जानकारी के अनुसार ये बस बच्चों को लेकर स्कूल जा रही थी। आगे जाने पर बस अनियंत्रित होकर खाई में गिर गई। हादसे में घायल बच्चों को फौरन सिविल अस्पताल ददाहू पहुंचाया गया। इस हादसे में अब तक कुल 7 लोगों की मौत हो गई। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल ने मेडिकल कॉलेज पहुंचकर घायलों का हालचाल जाना। सारा के समीप एक डीएवी स्कूल की बस गहरी खाई में जा गई। टोटल 18 सवारियां थी इस बस में, जिसमें 16 बच्चे थे। 16 में से 6 बच्चों की मृत्यु हो चुकी है, बाकी बच्चे उपचार में हैं मेडिकल कॉलेज महान के। प्रशासन की ओर से पूरी सुविधा प्रदान की जा रही है। हम सभी यहाँ पर मौजूद हैं और डॉक्टर्स की टीम बच्चों को बचाने में उनके उपचार के लिए लगी हुई है। जिनकी मृत्यु हुई है उनको 20,000 रुपये फौरी राहत के तौर पर हम दे रहे हैं, और जिनको घायल हुए हैं उनका इलाज टोटली फ्री किया जा रहा है, और 5,000 से 10,000 रुपये उनको भी दिया जा रहा है। यदि ज़रूरत पड़ेगी हर प्रकार की संभव हो हमारी तरफ से, मेडिकल कॉलेज की तरफ से, पुलिस के की। सर चालक परिचालक उनकी क्या स्थिति? चालक की तो मृत्यु हो चुकी है, परिचालक के बारे में अभी कोई जानकारी हमारे पास नहीं पहुँची। इसकी किस तरह की जाँच? रजिस्ट्रियल जाँच तो इसकी होगी, जिससे कि सारा पता लगे, बाकी पुलिस अपना काम करे। एन स्टार न्यूज़ के लिए नाहन से राकेश नंदन की रिपोर्ट।